हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेचुरल ब्यूटी एंड ब्लॉग्स बाय सोनी। मैं कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी रेसिपी लेकर आई हूं जो कि आप लोगों ने शायद नहीं खाई होगी। अगर खाई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मूली के पत्ते की रेसिपी। और ये है एक भुजिया है जो आप दाल के साथ या फिर किसी भी पराठे के साथ या रोटी के साथ किसी के भी साथ आप खा सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं कि इसे हमने कैसे बनाया है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि यहाँ पर ऐसी रेसिपी आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मूली के पत्ते की रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर देखिए मूली ले ली है और ये आधा किलो करीबन मूली थी जो कि काट कूट के कम से कम आधा किलो से कम ही है। और यहाँ पर मैंने मूली भी काट ली है और क्योंकि ज़्यादातर लोग मूली के पत्ते फेंक देते हैं, लेकिन देखिए मैं यहाँ पर इसकी भुजिया बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लहसुन ले लिया है और मिर्च ले ली। यहाँ पर सिर्फ इन्हीं दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर आप चाहें तो प्याज भी डाल सकते हो, लेकिन प्याज आप नहीं डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगी, क्योंकि ऐसे ही बहुत अच्छी टेस्टी लगती है ये। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं कि इसे कैसे बनाएंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इसको एक बार बनाएंगे तो सच में आप बार बार बनाएंगे इसको। तो यहाँ पर देखिए मैंने ले ली है लोहे की कढ़ाई और इसको मैंने गरम कर लिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि ये जो रेसिपी है ये मस्टर्ड ऑयल में ही अच्छे बनती है। और आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग जिससे भी आप बनाते हो, जिस तेल में भी बनाते हो, आप उसमें बना सकते हो, आप रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हो, लेकिन मस्टर्ड ऑयल में ज़्यादा अच्छी बनती है। तो अब इसको गर्म हो जाने देंगे, उसके बाद हम और भी चीज़ें ऐड करेंगे। तो देखिए हमारा तेल हो चुका है गर्म, तो अब हम इसमें डालेंगे जीरा और अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग। हींग मैं हर सब्ज़ी में ऐड करती हूँ क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है। और उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे लहसुन। तो यहाँ पर एक दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इस रेसिपी में आपको जितना आप लहसुन डालेंगे उतनी ही ज़्यादा टेस्टी आपकी ये रेसिपी बनेगी। और इसको हम रेड ब्राउन होने तक अच्छे से भुन जाने देंगे, लहसुन को रेड हो जाने देंगे, तब हम इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से भून लेती हूँ, उसके बाद मैं इसमें और चीज़ें ऐड करूँगी। तो यहाँ पर देखिए मेरा लहसुन और मिर्च अच्छे से भुन गया है, जीरा सब कुछ अच्छे से भुन चुका है। तो अब मैं इसमें करूँगी और चीज़ें, क्योंकि अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी हल्दी। आप चाहो तो यहाँ पर हल्दी स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि बिना हल्दी के भी ये बन सकती है। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी ऐड की है। और आप चाहो तो यहाँ पर रेड मिर्च भी अभी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी, सिर्फ हल्दी डालूँगी। और उसके बाद अब मैं डालूँगी ये मूली के पत्ते। अगर आप मूली के पत्ते लाते हो घर में तो इस रेसिपी को बिल्कुल भी फेंके ना, इस रेसिपी को आप ज़रूर बना के एक बार ट्राई करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और दाल के साथ मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं ज़्यादातर बनाती हूँ। और ये जो सब्ज़ी है ये ज़्यादातर सर्दियों में ज़्यादा आती है, जैसे मूली आती तो हमेशा है, लेकिन इसका खाने का जो मज़ा है वो सर्दियों में ही आता है। दाल के साथ खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसको हम सारी मूली को अच्छे से मिला लेंगे डालकर कढ़ाई में। तो यहाँ पर देखिए मेरी जो मूली पत्ते हैं वो हमने अच्छे से मिक्स कर ली। और इसमें अब मैं डालूँगी नमक। नमक आप स्टार्टिंग में अपने अकॉर्डिंग डालें और स्टार्टिंग में थोड़ा सा ही डालें, क्योंकि ये जो बनकर थोड़ी सी हो जाती है ये वाली रेसिपी भुजिया, ये जो है बनके थोड़ी सी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा नमक हो जाएगा। तो पहले थोड़ा सा ही डालें, अगर आपको कम लगे तो आप बाद में भी डाल सकते हो। तो मैं इसको अच्छे से दूँगी मिला, और इसको मिलाने के बाद मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी 5 से 6 मिनट के लिए। इसको पकाएँगे हम धीमी आँच में, तेज़ आँच में बिल्कुल भी नहीं पकाएँगे। और इसको अच्छे से मिक्स करके अब मैं इसे ढक कर पकने दूँगी 5 से 6 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखिए 6 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं इसे खोलकर देखती हूँ, चेक करती हूँ कैसी पकी है। तो यहाँ पर देखिए इसका पानी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो अब मैं इसको खोलकर पकाऊंगी, क्योंकि इसे हम ढककर पकाएंगे तो ये जो भुजिया टाइप की नहीं बनेगी। तो ये भुजिया जो है वो पक चुकी है, मूली जो है वो पक चुकी है। तो अब मैं इसको इसी तरीके से खोल के पकाऊंगी धीमी धीमी आंच में, जब तक पकाऊंगी जब तक कि इसका कलर ब्राउन नहीं हो जाता, तब तक हम इसे पकाएंगे धीमी धीमी आँच में। और यकीन मानिए लोहे की कढ़ाई में अगर आप बनाएंगे ना इस रेसिपी को, तो लोहे की कढ़ाई में पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि किसी कोई भी चीज़ को बनाओ तो वो ब्राउन ब्राउन सा उसमें आ जाता है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इस तरीके से हम इसको खोलकर पकाएंगे और इसे ढकेंगे नहीं, जिससे कि इसका पानी जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो चलिए इस तरीके से इसे हम पका लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए मेरी जो भुजिया है वो बनकर हो चुकी है रेडी, और इसका कलर कुछ इस तरीके का आना चाहिए, तब इसे हमें गैस का फ्लेम जो है बंद करना है। तो यहाँ पर मैंने गैस का जो फ्लेम है उसे मैं गैस को कर दूंगी बंद, और उसके बाद मैं इसको सर्व कर लूँगी। कुछ ब्राउन होने तक इसे हमें भूनना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो तो ये बिल्कुल बन चुकी है, तो इसे अब हम कर लेंगे सर्व। और इसे इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। अगर आपके बच्चे नहीं खा रहे हैं किसी तरीके से मूली और मूली के पत्ते, तो आप इस तरीके से बनाकर उनके टिफिन बॉक्स में भी रख सकते हो, बहुत ही अच्छे से खाएंगे वो पराठे के साथ। और इस तरीके से देखिए हम इसे सर्व कर लेंगे, और इसे आप दाल चावल के साथ, पराठे के साथ, पूड़ी के साथ, किसी के भी साथ आप इसे खा सकते हो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो देखिए हमारी रेसिपी बनकर हो चुकी है रेडी, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करोगे तो मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं मिलता है, और लाइक बिल्कुल फ्री है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ही रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।